क्या है नियम नंबर 7, जरा बात करें। नियम नंबर 7, पहले मैं लिख देती हूँ। सूत्र के रूप में से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये मैंने सूत्र लिखा है। नियम क्या है वो बताती हूँ। नियम है, यदि ई विसर्ग तथा उ विसर्ग के बाद रे आए तो संधि युक्त करने पर ई और विसर्ग ई में, ई और विसर्ग ई में तथा उ और विसर्ग उ में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ, मैंने आपको क्या कहा कि यदि ई विसर्ग और उ विसर्ग के बाद क्या आएगा, रे, तो जब आप संधि युक्त करोगे तो ई विसर्ग किस में बदल जाएगा, ई में, और उ विसर्ग किस में बदल जाएगा, उ में। यानी शब्द में आपको बड़ा ई और बड़ा उ मिलेगा, उसके तुरंत बाद क्या मिलेगा, रे, तो बड़ा ई किस में बदल जाएगा, छोटे ई और विसर्ग में, और बड़ा उ किस में बदलेगा, छोटे उ और विसर्ग में। उदाहरण पर बात करें, निरोग, नीरव, नीरस, निराजन, निरंद्र, दूराज, सब यहीं के। अगर हम लोग बात करें निरोग के अंतर्गत, देखें शब्द शुद्धि में खूब आता है निरोग, नय में ई की मात्रा कैसे मिलेगी, बड़ी। ये देखो, ई, ई के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, रे, संधि विच्छेद बड़े ई से, बड़ा ई किस में बदलेगा, छोटे ई और विसर्ग में, जो प्लस के कहाँ है पहले, और रे कहाँ आएगा, प्लस के बाद में, तो इतना रूप बाद में इतना पहले, संधि विच्छेद करोगे तो बड़ा ई बदला, छोटे ई और विसर्ग में, यानी नहीं धन, रोग, रोग से रहित, संधि युक्त करोगे तो ने में आया ई, विसर्ग आगे आया रे, तो ई विसर्ग के बाद रे, तो ई विसर्ग किस में बदलेगा, बड़े ई में, तो जैसे संधि युक्त करोगे अब ने में ई की मात्रा बढ़ी और रोग का अरोग। नीरव, नीरव बोलते हैं शांत को, टुकड़ा करोगे नी धन रव, नी यानी रहित, रव यानी आवाज, आवाज से रहित, नीरस, नी धन रस, रस से रहित, नी धन राजन, नी धन रंध्र, और दुहु धन राज। बस बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा, छोटे में, ये भी छोटे के अंदर, रंध्र होते हैं त्वचा के छिद्र, बुरा राज, दुराज, तो ये चीज़ इसके अंदर आई, तो पता चल गया। ये रहेगा दूसरा नियम। अच्छा, इस उपसर्ग के, मतलब इन उदाहरणों में यदि आपसे उपसर्ग पूछ ले, तो कई जगह कई जने कहते हैं निर, निर कहाँ है,
विसर्ग रह का रूप है ही नहीं यहाँ पे, रह तो प्लस के कहाँ आएगा बाद में, तो यहाँ कैसे होगा उपसर्ग में रह। तो इसमें 100% उपसर्ग पहले अगर आपसे पूछेगा तो उपसर्ग आप करेंगे नी और दुहु। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ा ई है वो किस में बदलेगा? छोटे ई और विसर्ग में। तो उपसर्ग क्या ही रहा इसमें? नहीं, यहाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? दू। तो इस नियम में उपसर्ग वाले को ही क्या देनी है? प्रधानता। इसके साथ ही नियम क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। नियम कंप्लीट होने के बाद मैं बच्चों से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ वर्बली। आप जरा सुनिए और जो भी आपके आंसर्स हैं वो आप मुझे बताएं। मैं आपसे कुछ आए हुए शब्द एग्जाम्स में पूछ रही हूँ और आपको उनका संधि विच्छेद और संधि का क्या बताना है नाम। तो शुरुआत करते हैं। शब्द आया था 2010 के पटवार के अंतर्गत, शब्द था मनोप्रसाद। कौन क्या होगा संधि विच्छेद? सब आप अपने दिमाग में सोच तो चुके होंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझे इसका आंसर मिलता है वो मिलता है मनह धन प्रसाद, और जब मैं पूछती हूँ कौन सी संधि तो कहते हैं विसर्ग जी। फिर मैं पूछती हूँ मनोकामना तो वही आंसर मनह धन कामना, संधि क्या मिलती है? विसर्ग। कृषि प्रवेक्षक में आया था एक शब्द मनोताप, मनह धन ताप, संधि विसर्ग। अच्छा, मैं यहाँ पे बीच में जब वो बोल रहे होते हैं तो मैं कंफर्म आपसे पूछती हूँ कि ये देख लो कहीं इनमें गुण संधि तो नहीं है मनोताप वगैरह में, तो एक ही बात सुनने में आती है कि नहीं वो तो नहीं है। तो लास्ट एक और पूछती हूँ, अधोपतन तो संधि विसर्ग, अधय धन पतन, ऐसे आंसर मुझे मिलते हैं और 99.99% के यही आंसर होते हैं। मैं कंफर्म होती हूँ, 3 सालों से मैं देख रही हूँ, जबकि ये चारों गलत हैं। इन चारों में कोई से में भी विसर्ग संधि नहीं है। आप तो बैठे हो करके और बताते भी हो, यहाँ मत खाते हैं आप लोग। जब आपको नियम नहीं आते तो आप तो रटते हैं, वो आते ही विसर्ग। मैंने वैसे कहा था गुण संधि के अंतर्गत कि कितनी होगी विसर्ग संधियों के अंदर और कितनी आती है, ये तो मैं जब आपसे बात करूंगी विसर्ग संधि में तब पता चलेगा पढ़ा कितना है आप लोगों ने। तो मनोकामना, मनोप्रसाद, अधोपतन, इनमें किसी भी शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, लेकिन आप तो रट कर रखते हैं ओ आते ही विसर्ग में। अच्छा, अभी मैं पूछती हूँ बच्चे से, पहले ये नहीं कहती हूँ किसी में नहीं है, कहती हूँ कौन सा नियम लागू है। कहीं कहते पहला वाला नियम, कहीं कहते दूसरा वाला नियम। तो दूसरे वाले नियम में तो वैसे ही प्लस के बाद है मिलेगा, मनोभिलाषा वगैरह ओ वाला वो था दूसरा, वो तो है ही नहीं। अगर हम बात करें इनकी पहले नियम की तो अभी बता के गई हूँ, विसर्ग से पहले उसमें ए आएगा और बाद में घोषवण। लेकिन आप जो बता रहे हैं कामना, प्रसाद, ताप, उनमें तो सब जगह पतन, पहला वर्ण अघोष है। कहें है घोष? है ही नहीं घोष, तो सब में अघोष है, फिर गड़बड़। हाँ है तो ये, इसलिए मैं कह रही थी कि आ तो खूब जाता है पर गड़बड़। उससे भी गड़बड़ बात कि पटवार में कृषि प्रवेक्षक में जो प्रश्न पूछा गया वो ये नहीं था इन शब्दों का संधि विच्छेद बताओ, तो वहाँ प्रश्न था कौन से शब्द में संधि का नियम लागू नहीं है, और 4 अलग अलग शब्द, उनके आगे उनके संधि विच्छेद। अब नियम आए तो वहाँ क्लियर हो। वहाँ चौथा एक ऑप्शन में लिखा मनोप्रसाद, उसके आगे लिख रखा मनह धन प्रसाद, बच्चा कह रहा है ये तो सही है, ओ विसर्ग में बदल गया। अरे पै तो अघोष है, मैंने तो नियम में जान लिखवाया वहाँ अघोष की बजाय क्या लिखवाया था? घोष। मनोताप में भी यही क्वेश्चन आया, मनह धन ताप, ताप में क्या आया? तय, त
तय तो अघोष है, नियम में तो घोष बताया। नियम लागू कहाँ है? है ही नहीं किसी भी नियम के अकॉर्डिंग। तो ये दूसरी बात, ये अधोपतन मनोकामना शब्द शुद्धि में आ चुके, आप रटके रखते हैं। रटके क्यों रखते हैं? कई बार बच्चा मुझसे पूछ लेता है, जब मैं कहती हूँ ना कि अधोपतन होगा ही नहीं, तो कहते हैं मैडम अधो भाग का क्या होगा संधि विच्छेद? तो मैं कहती हूँ अधय धन भाग, आपने भी तो कर दिया। अरे तो वहाँ भाग में भय है, भय मतलब चौथा वर्ण, चौथा वर्ण मतलब घोष। तो मैंने ये थोड़ी कहा है कि कहीं भी अधो आ गया वहीं कर दो, या मनोबल मनोगति तो वहाँ पर ओ के बाद बल गति में गए घोष है, पर मनोकामना में तो क्या है, मनोताप में तय है, अघोष है। होगा कैसे नियम? आप रटते हैं इसीलिए आप मात खाते हैं। मैंने ये चीज़ लास्ट में इसीलिए ली है कि शायद आपको ये चीज़ मेरी बताई हुई क्या रह जाए याद, कि जो नियम है उसमें अघोष नहीं है, सिर्फ क्या है, घोष। और हम लोग मुख सुख के कारण बात कर लेते हैं अधोपतन मनोकामना, बल्कि मैं आपको बताऊं मनोकामना नहीं, अगर आप देखेंगे संस्कृत में तो, संस्कृत में तो मिलता है मनस कामना, हिंदी में संयोग रूप होता है, संस्कृत में होता है मनस कामना, हिंदी में हम लिखा हुआ मिलता है मन कामना। और कभी शब्द शुद्धि देखोगे तो ये आपको शब्द शुद्धि में लिखा और मिल जाएगा। ये संयोग है अंतःकरण की तरह मन और कामना का। अधोपतन खूब आ चुका, अधोपतन कोई शब्द नहीं है, एक टाइम में खूब रिपीटेबल है ये शब्द शुद्धि शब्द। क्या होता है? अधय पतन, अधय यानी नीचे की ओर जिसका पतन है, यहाँ ये रूप नहीं आएगा। समझ में आई बात आपको? तो आप लोग इस चीज़ को विशेष तौर से क्या रखें ध्यान, कि आपको मैंने जो नियम बताए हैं उनमें ओके तुरंत बाद कौन सा वर्ण आना चाहिए, घोष। अगर अघोष है तो वो चीज़ वहाँ पर लागू नहीं है। और भी आ चुके हैं इसके शब्द, मनोचिकित्सा मनोचिकित्सालय मनोचिकित्सक, सब यहीं पर हैं, सब में चय दिखेगा आपको अघोष। और नियम किस में लागू है संधि का? घोष में। तो जब वहाँ पढ़ो तो एक बार ध्यान देना कि ओ के बाद घोष है भी या नहीं है। ये शब्द शुद्धि में आ चुका है, अधोपतन नहीं होता, शब्द क्या होगा, अधय पतन या मनोकामना नहीं, मन है कामना, संयोग रूप इसके अंदर है। समझ में आया? इसके साथ विसर्ग संधि क्या हो चुकी है, क्लियर आपकी? अब हमारा अगला पॉइंट आएगा वाक्य शुद्धि। चलिए वाक्य शुद्धि की बात करते हैं। पहले आपको समझनी है कुछ बातें, वो आप समझिए। पहली बात, वाक्य शुद्धि का तात्पर्य ये नहीं होता बिल्कुल भी कि वाक्य को जैसा चाहा वैसा तोड़ा मरोड़ा और लिखा। तो वाक्य शुद्धि से तात्पर्य है केवल वाक्य के अशुद्ध हिस्से को ही आप क्या करेंगे, शुद्ध, बाकी को आप टच भी नहीं करेंगे, इवन उनके काल में भी क्या नहीं करेंगे, परिवर्तन। यह आपको क्या रखना है याद। दूसरी बात, यदि एक वाक्य में एक समान अर्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द हैं तो ये कन्फर्म है एक शब्द हटेगा उनमें से, एक रहेगा। कौन सा हटेगा कौन सा रहेगा, वैसे तो डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर क्या दिया है, फिर भी अगर कहें तो पहले वाला शब्द वाक्य में रह जाता है और बाद वाला हट जाता है। जैसे मैंने कहा था कल दो एक
अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द कैसे, जैसे मैंने कहा मुझे केवल मात्र, तो केवल भी था मात्र भी, अर्थ सेम है शब्द अलग अलग, एक हटाना पड़ेगा। तीसरी बात, यदि एक जैसा अर्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द नहीं हैं तो ये कन्फर्म है कि आपको वाक्य के अंदर से कोई शब्द अगर हटा रहे हो तो उस शब्द के स्थान पर कोई और क्या लिखना पड़ेगा, शब्द। बात करें क्वेश्चन कैसे आएंगे, फिर जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न चार अलग अलग शब्द देगा, उन चारों के आगे अगर कहें तो ऊपर क्वेश्चन दे देगा, शब्द नहीं सॉरी चार अलग अलग वाक्य देगा, और क्या लिखेगा वहाँ। चार अलग अलग वाक्य देगा और उनमें क्या लिखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऐसे लिखें। कौन सा वाक्य अशुद्ध है या कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऐसा लिखेगा वो। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है चार अलग अलग वाक्य, फिर पूछता है बताओ कौन सा वाक्य शुद्ध है। कई बार एक ही जैसे रूप देगा, कैसे देगा मैं अभी आपको बताऊंगी। तीसरा रूप, ऊपर लिखेगा बताओ वचन संबंधी अशुद्धि कौन से वाक्य में, चार वाक्य देगा। ये जरूरी नहीं है कि चारों ही वाक्य शुद्ध हो, मैंने आपको कल भी समझाया था कि हो सकता है चारों ही अशुद्ध दे दे पर वचन संबंधी अशुद्धि सिर्फ एक में मिलेगा, तो जो पूछे वो उसी पर आपको क्या देना है ध्यान। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एक ही वाक्य को चार भागों में बांट देगा, जैसे कल मैंने आपको उपसर्ग में बताया था दरअसल में मैं इसकी जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहता था, ऐसे आया था वहाँ पर, तो वो चीज़ वहाँ पर हो सकती है। एक ही वाक्य को चार भागों में, द भाग में लिखा होगा कोई त्रुटि नहीं है, ऐसे आ सकता है। एक और भी बना सकता है, एक वाक्य दे सकता है और फिर पूछ सकता है बताओ इस वाक्य में किस संबंधी अशुद्धि है, तो कुल मिलाकर के ऐसे आपके क्या बनते हैं प्रश्न। सबसे ज़्यादा यही आएगा चार अलग अलग वाक्य और फिर पूछेगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध, सबसे ज़्यादा ये आने वाला है। वाक्य शुद्धि होती किससे संबंधित है, सबसे पहली बात अगर हम वाक्य शुद्धि की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन कारक अव्यय वगैरह से संबंधित अशुद्धि होती है, होने को पदक्रम से संबंधित भी अशुद्धि होती है। मैंने कल जब आपको क्रिया टॉपिक बताया तो मैंने पदक्रम पर बात की थी, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता रही हूँ, एक अशुद्धि होती है पदक्रम संबंधी, यानी जब वाक्य में जो शब्द हैं या पद हैं उनका क्रम क्या नहीं होगा सही तो वो गड़बड़ होगी। तो मैंने आपको बताया है पदक्रम के अंतर्गत कि पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्या आएगा कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगा क्रिया। अगर इस सीक्वेंस में इस क्रम में वाक्य नहीं है तो ये कन्फर्म है वाक्य आपका व्याकरणिक रूप से क्या है अशुद्ध, यानी वैसे तो आप बोल सकते हो लेकिन आम जीवन में, पर व्याकरणिक रूप से वो क्या हो जाएगा गलत। कैसे, मैंने आपसे कहा खाना खाया है मैंने अभी अभी, ऐसे मैंने बोला खाना खाया मैंने अभी अभी, आपको लगेगा सही तो है नहीं। अगर हम लोग बात करें आपने खाना पहले ले लिया कर्म, मैं कर्ता को आप बाद में रखे हुए हो, इसका मतलब वाक्य क्या हो चुका है गलत। आपको बोलना चाहिए मैंने अभी अभी खाना खाया है, यानी पद क्रम का ध्यान रखना है वाक्य में पहले
करता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, उसके बाद क्रिया आनी चाहिए, लास्ट में क्रिया। अगर इस सीक्वेंस में वाक्य है तो सही है, और इस सीक्वेंस में, इस क्रम में नहीं है तो वाक्य क्या है? गलत। उदाहरण मैंने अभी अभी आपको समझाया खाना वाला, इसके अंदर। तो ये आपको पहला ध्यान रखना है कि वाक्य के क्रम में, ये वाक्य का क्रम है, ये क्रम होना चाहिए वाक्य का, क्लियर। दूसरी बात, पता कैसे चलेगा ये वचन संबंधी अशुद्धि है, ये लिंग संबंधी है, ये सर्वनाम संबंधी है? तो जो पाठ वाक्य का या जो पद व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, आप उसको चेक कर लेना। अगर वो संज्ञा रूप है तो संज्ञा से जुड़ा है, सर्वनाम है तो सर्वनाम से जुड़ा है, विशेषण है तो विशेषण से। तो जो शुद्ध हो रहा है वाक्य, वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, वो उस संबंधी ही क्या होगी, अशुद्धि। कैसे? धीरे धीरे हम बात यहाँ पे करना शुरू करेंगे, क्योंकि पूरी व्याकरण तो आपके नहीं है, फिर भी जो जो नियम वहाँ पर लागू होते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक अशुद्धि होती है, किससे संबंधी? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, एक ये रूप होता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो आप समझे, नियम रूप में। नियम याद होंगे तो वाक्य तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्लियर। और नियम याद नहीं होंगे तो क्लियर नहीं होगा। पहला नियम, सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्द मैंने कल की क्लासेस में भी आपको बताए, उसके बाद भी नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं, हम, तू, तुम, आप, एक उसके अंदर आता है क्या, कौन, जो, सो, कोई, कुछ, ऐसे ये सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्दों के साथ को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध होता है। अगर मैं बात करूं ज़्यादा नहीं तो मैं आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण बता रही हूँ। जैसे आप कह देते हैं तुझको, मुझको, उसको, इसको, हमको, ये सारे शब्द गलत हैं। सारे नहीं लिखे मैंने, मैंने बताया है आपको कि सर्वनाम के साथ को कारक विभक्ति का प्रयोग व्याकरणिक रूप से क्या होता है, अशुद्ध होता है। जबकि अगर मैं बात करूं, हम लोग तो बहुत कहते हैं पिताजी ने मुझको कहा, अब बोल देते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ, पिताजी ने मुझको कहा, उसको जयपुर जाना है, हमको पढ़ना है,
ये आप बोल देते हैं, खूब बोलते हैं और आप ऐसी लैंग्वेज, और ये जाहिर सी बात है जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको वही याद है और एग्ज़ाम में वो आएगा तो आपकी नज़र में वो क्या रहेगा, सही, जबकि ये चीज़ क्या हो चुकी है, गलत। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, को का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो को है ये पहले वाले वर्ण में एक ही मात्रा में जुड़ा हुआ रूप शुद्ध माना जाता है, यानी इसका शुद्ध रूप तुझको का क्या होगा, तुझे, मुझको का क्या होगा, मुझे, उसको का क्या होगा, उससे, इसको का इसे, हमको का हमें, किसको का किसे, ये रूप शुद्ध है। यानी सेंटेंस क्या होना चाहिए, पिताजी ने मुझे कहा, उसको जयपुर जाना है नहीं, उसे जयपुर जाना है, हमको पढ़ना है नहीं, हमें पढ़ना है। तो वाक्य तो कोई दे सकता है, तो नियम याद रखना है कि सर्वनाम के साथ कौन से कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, को का, क्योंकि को हमेशा उसके साथ जुड़कर इस रूप में आ जाएगा। समझ में आई बात, ये पहली बात है। जैसे आप कहते हो सोहन ने मेरे को कहा, तो मेरे को नहीं, मुझे, मुझे कहा, ये क्लियर हुआ बात। अब सेकंड रूप, सेकंड नियम इसमें, जैसे सर्वनाम होते हैं इन, ओन, जिन, किन, ऐसे आ जाते हैं, इनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग सिर्फ ने का, नहीं होता। जैसे मैंने कहा इनने मुझसे कहा है, तो अब इनने नहीं होगा, समझ में आए। उनने तुमसे क्या कहा, तो उनने नहीं होगा, फिर होगा उसने, वो चीज़ आ जाएगी। इनके साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, और कोई विभक्ति इनके साथ आ सकती है, अन्य कोई भी यूज हो जाएगी। ये भी लिख देती हूँ, अन्य कोई भी विभक्ति आ सकती है। यानी सिर्फ ने नहीं आएगी इनके साथ, जैसे मैंने कहा इनने मुझसे कहा, इनने क्या हो गया, गलत। इनने के बजाय क्या हो सकता है, इसने मुझे कहा, समझ में आया। तो ये रूप यहाँ पर आएगा। इसके बाद एक चीज़ यहीं पर और समझ लो, तीसरे रूप में इन्हों, उन्हों, जिन्हों, किन्हों, ये ऊपर वाले से जस्ट विपरीत है, के साथ ने का प्रयोग होता है। अन्य का नहीं, यानी इनके साथ सिर्फ ने विभक्ति आ सकती है, बाकी और कोई विभक्ति नहीं आएगी। इन्हों को वहाँ भेज दो, तो इन्हों को नहीं, हाँ वो रूप हो सकता है। वह जैसे उसने कहा इन्होंने वहाँ भेजा है, तो शुद्ध है, इन्हों को वहाँ भेजा है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ने लगा सकते हो,
और कोई विभक्ति नहीं आएगी, जबकि इन उन जिन किन के साथ सिर्फ ने नहीं लगेगा, बाकी कोई भी विभक्ति आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नीचे वाली चीज़ तो फिर भी आरएस वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलती है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी को वाली आपको, जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सर्वनाम से जुड़ी हुई क्या हो गई, अरूप। इसमें एक रूप और है, चौथा नियम। मैंने कई बार देखा है कि वाक्य आ जाता है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ, या मैं के बजाय वहाँ जाए हम हमारे घर जा रहे हैं। चलो लिखे देती हूँ, घर जा रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो। मैं के साथ मेरे, हम के साथ हमारे, तुम के साथ तुम्हारे, या तुम्हारा एक वचन में, तुम्हारा बहुवचन में तुम्हारे, ये शब्द क्या होते हैं? गलत। आपको लगेगा ये सही तो है, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, नहीं। क्या आएगा इनमें? या तो अपना या अपने। मैं अपने घर जा रहा हूँ, हम हमारे घर जा रहे हैं, नहीं, हम अपने घर जा रहे हैं। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। ऐसे रूप क्या आएगा? शुद्ध, यानी मैं के साथ मेरा, तुम के साथ तुम्हारा, हम के साथ हमारा, बहुवचन होगा तो हमारे रूप हो जाएगा। इन रूपों का भी क्या नहीं होगा? प्रयोग। अगर करोगे तो व्याकरणिक रूप से क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार नियम तो किससे जुड़े हुए निकले? आपके सर्वनाम से, जिनको आपको क्या रखना है? ध्यान। इसके बाद एक चीज और समझ लो, या तो वो कारक में समझाई जाती है और या सर्वनाम में। क्या? जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि उदाहरण में मैं कहूँ, आप एक सर्वनाम लें, जैसे आपने शुद्ध हमें लिखना है, हाँ, आपको मम्मी ने बुलाया है। मुझे जो बताना है वो ये, पहली बात, ये आप या सर्वनाम नहीं, ये सम्मान के लिए हम सामने वाले के लिए यूज कर रहे हैं। जो आप स्वयं के लिए आता है वो सर्वनाम के लिए है। आपको मम्मी ने क्या कहा था? यहाँ आप खुद के लिए नहीं है, किसके लिए है? सामने वाले के लिए। इसलिए यहाँ पर मैंने किसका प्रयोग किया है? को का। नहीं तो कई कहते हैं, अभी तो बता के गए थे कि सर्वनाम के साथ को नहीं आएगा, आप भी तो सर्वनाम है। अरे जो आप सर्वनाम है वो निजवाचक है और वो स्वयं के लिए यूज होता है। मैं आप पढ़ लूंगी खुद के लिए। जो आप दूसरे के लिए यूज हो रहा है वो सम्मान के लिए हम क्या करते हैं? यूज। तो जो सर्वनाम है 11 में आप, वो स्वयं के लिए यूज होता है, ना कि सामने वाले के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग। तो ये वो सर्वनाम शब्द नहीं है, पहले तो ये ध्यान दो। दूसरी बात, आप लोग ऐसे ही लिखते हैं, आपको मम्मी ने बुलाया है, उसने मुझसे कहा था, ये, या उसने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा, ऐसे।
गलत। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक विभक्ति चिन्ह जोड़ कर लिखे जाते हैं, यानी ये आपको ऐसे लिखा वो गलत है, आपको लिखना ये चाहिए, आपको मम्मी ने। बाकी सेंटेंस जो कहते हो ये रू, ये शुद्ध है। उसने तो सर्वनाम शब्दों के साथ कारक विभक्ति चिन्ह सदैव जोड़ कर लिखे जाते हैं, संज्ञा के साथ अलग आते हैं। बहुत विद्यार्थी हैं जो ऐसे लिखते हैं, पहला कारक विभक्ति चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ सदैव जोड़ के लिखा जाता है। अगर कहें पहला मतलब, जैसे कुछ कारक होते हैं जिनके दो विभक्ति चिन्ह रूप हो जाते हैं, जैसे संप्रदान का आप यूज करते हैं के लिए, तो यहाँ देखो पहले वाला जुड़ेगा, बाद वाला अलग होगा, यानी आप ऐसे अगर लिख रहे हो कि कहा था जोड़कर आएगा तो पहला ही जुड़ेगा, दोनों नहीं जुड़ेंगे। समझ में आई बात? आपके द्वारा तो के जुड़ेगा आप में, और द्वारा क्या आएगा? अलग आएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर सर्वनाम की जगह संज्ञा हो, संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह कभी नहीं जोड़कर लिखे जाएंगे, उनसे अलग, और सर्वनाम के साथ हमेशा क्या लिखे जाएंगे? जोड़कर। तो ये किससे संबंधी अशुद्धि हो गई है आपकी? सर्वनाम से संबंधी। जितनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने इसमें आपको बता दी। आगे देखो तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आया। अगर हम लोग बात करें तीसरा कौन सी संबंधी अशुद्धि, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि पर आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ प्रत्यय वगैरह भी क्लियर होंगे, और जो मैंने वहाँ बात नहीं की थी वो यहाँ मैं कर रही हूँ। पहली बात, शब्द शुद्धि भी क्लियर, इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी तर या तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अगर आप इष्ट प्रत्यय के साथ तर या तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और ये तम वाला तो बहुत आ रहा है, पहले तो मैं शब्द शुद्धि का शब्द लिख देती हूँ जो आप खूब यूज करते हैं और खूब वाक्य शुद्धि में भी आता है। शब्द शुद्धि के साथ साथ श्रेष्ठतम कोई शब्द नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इष्ट का अर्थ भी होता है सबसे, और तम का अर्थ भी क्या ही होता है? सबसे। तो एक ही अर्थ देने वाली दो चीजें हैं। जो श्रेष्ठ है वो ऑलरेडी जो सबसे बढ़िया है वो ही श्रेष्ठ है, तो आपको क्या नहीं लगाना चाहिए? तम। पर दैनिक जीवन में तो हर जगह श्रेष्ठतम पढ़ते हैं, शब्द शुद्धि में आ जाते कहते सही तो है। सही कैसे है? गलत है। शुद्ध तो श्रेष्ठ ही है। इष्ट प्रत्यय आ चुका है एलडीसी में, वरिष्ठ कनिष्ठ लघिष्ठ गरिष्ठ सब में इष्ट है। कनिष्ठ में मूल शब्द होता है कन, कन का अर्थ होता है छोटा, इष्ट यानी प्रत्यय है सबसे अर्थ देता है, सबसे छोटा क्या कहलाया? कनिष्ठ। वरिष्ठ वर ऊंचा या बड़ा, इष्ट सबसे, तो जो सबसे बड़ा है सबसे ऊंचा है वो क्या हो गया? वरिष्ठ। तो ध्यान रखना है इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी कौन से प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा? तर या तम, अलग ही आएगा। श्रेष्ठ जहाँ इष्ट है वो इष्टी रूप होगा यानी शुद्ध रूप, क्या ही रहेगा? श्रेष्ठ। समझ में आई बात? और वाक्य में आ गया तो वाक्य भी क्या हो जाएगा? गलत।
जैसे सोहन कक्षा में श्रेष्ठतम है, ये क्या हो गया है वाक्य अशुद्ध, क्योंकि श्रेष्ठतम की बजाय सिर्फ क्या आना चाहिए, श्रेष्ठ। तो वाक्य आ गया तो वाक्य अशुद्ध, और शब्द में आ गया तो शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध। तो प्रत्यय भी क्लियर, वाक्य शुद्धि भी क्लियर, और शब्द शुद्धि भी क्या हो गई है, क्लियर। अगला उदाहरण देखो, खूब आ जाता है, ये अशुद्ध है वाक्य। दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, आपके जब आता है तो आपको लगता है सही तो है, अशुद्ध क्यों है, सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ देखो, सबसे भी है, कौन सा प्रत्यय भी है, तम। तम का अर्थ भी सबसे होता है, वैसे भी सबसे होता है, इसका मतलब या तो सबसे ही लगेगा या क्या ही लगेगा, तम। यानी वाक्य में कभी भी सबसे जहाँ हो वहाँ किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वाक्य में, तम का, नहीं तो वाक्य क्या बन जाएगा, अशुद्ध। यानी वाक्य या तो दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, और तम लगा रहे हो तो सबसे हटा दो, दिनेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए, फिर आपको ये लिखना है, क्लियर जी। आगे की बात करते हैं विशेषण में, अगर मैं तीसरी बात करूं विशेषण के अंतर्गत, तो कुछ विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। यानी अगर मैं यूँ कहूं तो विशेषण विकारी रूप है, और हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं किससे, लिंग वचन कारक वगैरह से, पर कुछ में सिर्फ एक ही रूप मान्य है, वो अलग बात है, प्रयोग आप दोनों कर रहे हैं। मैं यहाँ जरा दो शब्द लिख रही हूँ, सेकंड वाला तो लगभग गले ही नहीं उतरता विद्यार्थियों के, मतलब गले ना उतरना, स्वीकृत नहीं कर पाते हैं मेरी बात को। आप आम जीवन में बोलने को ताजा भी बोल देते हो, ताजी भी, सुनहरा भी बोलते हो, सुनहरी भी बोलते हो, और खूब बार आ भी जाता है, सोहन बाजार से ताज़ा सब्जियां लाया की बजाय लिखा था ताजी सब्जियां लाया, तो आपको क्या लगता है, सही तो है ताजी सब्जियां लाया, ताजी नहीं होता, क्या ही होता है, ताज़ा। ऐसे ही आप कहते हैं मैं आपके सुनहरी भविष्य की कल्पना करूंगी, ठीक है, पर सुनहरे भविष्य की कल्पना गलत, तुमने सुनहरी अवसर खो दिया, सही, तुमने सुनहरा अवसर खो दिया, गलत हो गया, समझ में आई बात। यानी सुनहरा नहीं होता, सुनहरे नहीं होता, क्या शब्द आएगा, सुनहरी। अगर आपने वो किया तो वो गड़बड़, तो मैं उदाहरण लिख देती हूँ, सोहन बाजार से ताजी सब्जियां लाया, दूसरा सुनहरी का मैं आपके सुनहरे भविष्य
की कामना करती हूँ। अब यहाँ ये सुनहरे गलत है, क्या होना चाहिए? मैं आपके सुनहरी भविष्य की कामना करती हूँ। ना सुनहरा आएगा ना सुनहरे आएगा, क्या आएगा? शब्द सुनहरी। और यहाँ ताजी की बजाय क्या आएगा? ताजा। ये रूप अशुद्ध हैं दोनों, और ये वाले रूप दोनों क्या हो चुके हैं? अशुद्ध। यानी यहाँ सेंटेंस सोहन बाजार से ताजा सब्जियाँ लाया, ये शुद्ध होगा। ताजी क्या होगा? अशुद्ध। और मैं आपके सुनहरी भविष्य की कामना करती हूँ शुद्ध, सुनहरे भविष्य की कामना करती हूँ क्या होगा? अशुद्ध। एक ही है चीज। अगला उदाहरण देखो आप इसमें, वो तो ताजा ताजी वाला होगा। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल, देखने योग्य हैं। ये देखिए, मैंने कहा था एक जैसा अर्थ देने वाले अगर वाक्य में दो होंगे तो भी वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अब यहाँ देखो, दर्शनीय आ गया। दर्शनीय का अर्थ क्या ही होता है? देखने योग्य। इसका मतलब वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध। शुद्ध क्या होना चाहिए? कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे की बात करें, यहाँ विशेषण के अंतर्गत ही एक उदाहरण काफ़ी बार आ चुका है, मैं एक बार लिख देती हूँ। ये आएगा दर्शनीय, देखने योग्य क्या हो जाएगा? हट जाएगा। भक्ति काल के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये देखिए आप इसमें, अगर हम बात करें चार रूपों में ये वाक्य देता है। पहला, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, भक्ति युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तीसरा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चौथा, भक्ति युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसे कितने रूप मिलते हैं? चार। एक शुद्ध, विद्यार्थी काल और युग में ही कन्फ्यूज हो जाता है। अर्थ आएगा तो आप कर लेंगे, अर्थ नहीं आएगा तो आपसे क्लियर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें अर्थ वाली, वो क्या चीज़ है तो वो सुनो। काल क्या है? काल और युग में अंतर बता रही हूँ। तो काल एक निश्चित समयावधि, छोटी समयावधि काल। जैसे और तो आपने पढ़ा ना पढ़ा हो, पर ये तो कन्फर्म ही पढ़ते हो कि बिहारी रीति काल के कवि हैं। अगर हम कहें महादेवी वर्मा आधुनिक काल की हैं, मीरा भक्ति काल की हैं, तो यानी हर काल क्या है? अलग अलग। अच्छा, लिटरेचर के अंदर हमारे एक विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल ही कहा है। इसे हिंदी के स्टूडेंट तो देखते इसे यही कर देते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, पर वो तो उन्होंने कहा है, यहाँ हमें व्याकरणिक रूप देखना है। युग क्या होता है? जो अपने आप में पूरा है वो क्या कहलाता है? युग। एक युग अपने आप में पूरा विस्तृत, और एक युग में अनेक क्या हो सकते हैं? काल। और भी नहीं तो द्वापर युग, त्रेता युग, अपने कल युग, ऐसे सुना है। तो भक्ति काल का तो युग ही है, लेकिन स्वर्ण काल नहीं होगा तो स्वर्ण क्या होगा? युग। तो शुद्ध होता है ये, हट जाता है।
भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्या हो चुका है? शुद्ध। ये विशेषण संबंधी अशुद्धि अपने क्या हुई है, क्लियर? आपको जो ध्यान रखना है, विशेषण के बाद एक होती है क्रिया, ये तीसरा रूप, चौथा मैंने एक पद क्रम और बोल दिया था आपको, सीधा लिख दिया, क्रिया संबंधी। अगर हम लोग बात करें क्रिया संबंधी के अंतर्गत, तो सिंपल सा रूप क्या, पहला नियम समझना है। आप लोगों ने कल एक पढ़ा था पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक जो क्रिया है उसके साथ करके शब्द का प्रयोग व्याकरणिक रूप से क्या हो जाता है, अशुद्ध। सिर्फ पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर शब्द लगा सकते हो, अगर आपने इसके साथ करके स्थान पर करके लगा दिया तो रूप क्या हो जाएगा, अशुद्ध। जैसे देख कर शुद्ध, ये क्या हो गया, अशुद्ध। जैसे मैं कहती हूँ आपको सोहन फिल्म देख करके बाजार चला गया, वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध। होना क्या चाहिए, सोहन फिल्म देख कर बाजार चला गया, यानी सिर्फ किसका प्रयोग करोगे, कर, करके आगे क्या नहीं लगा सकते हो, के। ये के भी आपको ये रूप तो है ही, बाकी वो तो देगा ये आपको लिखकर, देख कर के अलग लिखेगा तो भी क्या ही होगा, अशुद्ध। तो कर ही आएगा, कर के साथ क्या नहीं लगा सकते हो, के लगते के साथ वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध। जैसे खाना खा कर सो गया, खाना खा कर के सो गया, फिर क्या हो जाएगा, गलत। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ सिर्फ किसका प्रयोग करोगे, कर का। कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करोगे कर के साथ, आगे विभक्ति चिन्ह के आते ही वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत। आगे की बात करो, क्रिया संबंधी अशुद्धि को मैं चार भागों में बांट सकती हूँ, कौन कौन सी वो समझना है। कौन कौन से चार रूप, पहला एक तो होता है अनावश्यक क्रिया से संबंधित। उदाहरण की मैं बात करूं, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। आगे की बात करें, ये तो है अनावश्यक, एक आता है आवश्यक क्रिया से संबंधित। आवश्यक क्रिया का पहला उदाहरण, उसने मेरा गाना और घर
देखा। दूसरा उदाहरण, वह सिलाई और हिंदी पढ़ती है। तीसरा, अनुपयुक्त क्रिया से जुड़ा हुआ। अनुपयुक्त क्रिया में बात करूं, पहला उदाहरण, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। अब यहां देखो, सुनकर ही आया, सुनकर के नहीं आएगा, करके आगे के नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। दूसरा उदाहरण, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाएगा, कौन चबाएगा। और चौथा रूप, अनियमित क्रिया से जुड़ा। ये अलग अलग रूप के होते हैं, मैंने यहाँ बता दिया अलग अलग उदाहरण। कृपया गंदगी ना करें। अब आपको समझ लेना है, अनावश्यक, अनधन आवश्यक, अन उपसर्ग हो गया है इसके अंदर, अनुपयुक्त तो अनधन उपयुक्त, पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे आपके उपसर्ग वगैरह। अब देखो, अनावश्यक क्रिया यानी आपको क्रिया की आवश्यकता नहीं, नहीं कई कहते हैं यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण रचित है, ग्रंथ विद्वता से परिपूर्ण है, तो सबसे बड़ी बात, हम वैसे तो कुछ हटा ही नहीं सकते, जो गलत है वो हटाना है हमें। तो यहाँ देखो, ये लिखा गया कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि विद्वता के आगे ऑलरेडी उन्होंने क्या लगा दिया है, पूर्ण, शुद्ध होगा यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है, लिखा गया क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, वहाँ पूर्ण नहीं होता तो विद्वता से रचित है, सोच लेते, अब वो पूर्ण है तो पूर्ण है इसका मतलब तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो वो वहाँ पर आ ही नहीं सकता। जैसे यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, अब वातावरण उपस्थित थोड़ी होगा, वैसे भी वातावरण तो सर्वत्र व्याप्त है, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, उपस्थित, क्या होगा शुद्ध, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये इसमें आएगा। आवश्यक क्रिया, क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो जैसे आप देखते हो, उसने मेरा गाना और घर देखा, ये लगता है ये क्या लिखवा दिया, क्योंकि क्लियर रखते हैं आप कि यहाँ पे तो गड़बड़ है, इसलिए आपको लगता है। तो यहाँ देखिए, पता कैसे चलेगा कौन सी क्रिया आई, तो जैसी क्रिया लास्ट में, उससे जुड़ा हुआ ही क्रियापद या उसी से संबंधित ही कहाँ आना चाहिए, पहले। जैसे उसने मेरा गाना और घर देखा, तो यहाँ क्रिया क्या है, देखा, तो गाना इंद्रिय के माध्यम से क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, तो गाना के आगे क्या जोड़ेंगे आप, शब्द सुना, तो शुद्ध हो जाएगा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। तो नीचे वाले में देखो, तीन ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज कर जाएंगे, वहाँ लिखा होता है वह सिलाई करती है और हिंदी पढ़ती है, वह सिलाई सीखती है और हिंदी पढ़ती है, वह सिलाई सिखाती है और हिंदी पढ़ती है, ऐसे मिलेंगे। फिर स्टूडेंट क्या सोचता है, कोई सिलाई कर भी सकता है, सीख भी सकता है, सिखा भी सकता है, एक क्या आएगा, तो जैसा क्रियापद लास्ट में वैसा ही रूप आएगा, यानी यहाँ लास्ट में क्या है, पढ़ती, तो सिलाई क्या करेगी,
सीखेगी तो वह सिलाई सीखती के आगे है नहीं आएगा, वह सिलाई सीखती और हिंदी पढ़ती है। अच्छा ये सुना, सुनना है क्रिया, अगर मैं उकी मात्रा बड़ी कर देती तो हो जाता सुना। सुना मतलब एकांत, जैसे घर सुना है यानी वहाँ कोई नहीं है, वो सुना। एक सीख में ई की मात्रा बड़ी, वो शिक्षा, सीखना क्रिया वाले में क्या हो जाती है छोटी। आगे देखो अनुपयुक्त, अनुपयुक्त का मतलब वो क्रियापद वहाँ उपयुक्त नहीं है, कोई और चीज़ वहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ देखो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तो विस्मय नहीं होगा, कई करते हैं आश्चर्यचकित, नहीं, विस्मय से सीधी क्रिया बनेगी। विस्मित होना, तो खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। आगे देखो युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीड़ा के दो अर्थ होते हैं, अनेक अर्थी शब्द है। एक बीड़ा होता है पान जो चबाया जाएगा, और एक जो बीड़ा है वो है जिम्मेदारी जो चबाई नहीं जाएगी, उठाई जाती है जिम्मेदारी। तो युग की मांग का यह बीड़ा, तो यहाँ बीड़ा जो है वो जिम्मेदारी के लिए है, तो कौन चबाएगा नहीं, कौन उठाएगा, समझ में आया। तो यहाँ से क्या हो गया परिवर्तन। चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट, बच्चे करते हैं कृपया गंदगी मत करो, कृपया गंदगी मत फैलाओ, कुछ ऐसा रूप करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये शब्द शुद्धि में बहुत विद्यार्थी हैं जो कृपया में पै आधा करते हैं, तो आधा नहीं आता पूरा आता है, पहले तो ये ध्यान रखना ये शुद्ध है। दूसरी बात यहाँ ना नहीं आएगा, ना की बजाय क्या आएगा न। तो कई बार बच्चे कह देते हैं कि न या ना में क्या अंतर हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ नियम के अंतर्गत नोट करके। प्रार्थना में यानी जहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना में न का प्रयोग होता है, जबकि आदेश में मत का प्रयोग होता है। समझ में आई क्या बात, किसका प्रयोग होगा, मत शब्द का, इसमें आपको क्या मिलेगा प्रयोग, किस में, आदेश में, रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग मिलेगा न का, प्रार्थना में न, इसलिए यहाँ कृपया है तो ना के बजाय क्या होना चाहिए न। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे दीवारों पर न थूके गलत, दीवारों पर मत थूको आदेश दे रहा है, आदेश में किसका प्रयोग करेगा मत का, और प्रार्थना में रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग करेगा न का। क्लियर हो चुका है, तो ये किस संबंधी अशुद्धि दूर हो चुकी है आपकी, क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या हो गई है दूर। आगे पांचवा रूप, लिंग रूप की या लिंग से संबंधी अशुद्धि हमें यहाँ पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ जैसे मैं एक उदाहरण लिखूँ, पहला
ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, यह लिखा मैंने। तो कई बच्चे कहते हैं ताजमहल की सौंदर्यता, तो ये तो मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ प्रत्यय टॉपिक में कि यह प्रत्यय के साथ कभी भी ताप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। सौंदर्यता आ गया तो ये वैसे ही और भी अशुद्ध हो जाएगा। ताजमहल पुल्लिंग है तो यहाँ की बजाय क्या आना चाहिए, का होना चाहिए। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये क्या होगा शुद्ध। यहाँ आगे की बात सुनिए, मैं यहाँ कुछ शब्द लिख रही हूँ जिनके मैं आपसे लिंग भी परिवर्तित कर रही हूँ, क्योंकि उनसे जुड़े क्या आ जाते हैं प्रश्न। सबसे पहले तो आप शब्द शुद्धि में भी उनको देख लें, जैसे पुल्लिंग रूप है कवि, स्त्रीलिंग जो रूप आएगा वो कौन सा आएगा, कवयित्री, तो कवयित्री आएगा। यानी यह पर लगेगी ई की मात्रा, बहुत विद्यार्थी किस पर लगाते हैं, वह पर। दूसरी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, ऐसे एक शब्द शुद्धि होती है रचयिता, उभयलिंगी है, पुरुष और स्त्री दोनों के साथ यूज होता है। इसमें भी किस पर ही लगी हुई है, की मात्रा यह पर। कवयित्री में भी यह पर ही है, रचयिता में भी यह पर ही है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम वर्ण पर है, और सेम स्थान पर सेम वर्ण में। तो आप भूल भी जाओ तो ये ध्यान रखना, कवयित्री और रचयिता में जो समान वर्ण है मात्रा उसी पर लगेगी। तो कवयित्री और रचयिता में यह वर्ण ही समान है तो मात्रा दोनों उसी पर रहेंगी। ऐसे ही एक होता है वीर, एक होता है वीरांगना। ये देखो संधि करोगे तो वीर धन अंगना आएगा, अंगना यानी स्त्री। और एक शब्द युग्म आ चुका है, मैं यही बता दूं आपको, वीरांगना और वारांगना। अगर हम बात करें वीरांगना तो जानते हैं वीर स्त्री, वारांगना वेशा को बोला जाता है। एक ही मात्रा होगी, डबल नहीं होगी, वह पर डबल मात्रा ऐ के लगा दोगे तो वैश्य जो बनिया रूप में होता है वो बन जाएगा वो। तो इसमें एक ही, तो वारांगना वेशा को और वीरांगना वीर स्त्री को बोलते हैं। तो आप लोग शब्द युग में इसको याद रखना, आरएस में आ चुका है। एक होता है विद्वान और एक होता है विदुषी। विद्वान पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग। अगर बात करें इसके अलावा महान, महती, समझ में आया। इसके अलावा जैसे आपके शब्द आ गए अवसैदत हो गया, कह कैसे लिख लेते हैं, साधु स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, साध्वी। ये इतने वाक्य मिल जाएंगे आपको अशुद्धि में, से मैं यहाँ लिख रही हूँ कि आपको उनका क्या हो जाए ज्ञान। अब जैसे वो क्या देता है वहाँ सेंटेंस, महादेवी वर्मा बहुत प्रसिद्ध विद्वान है या बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। अब आपको समझ में आ गया कि महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब विद्वान नहीं आएगा, विद्वान की बजाय क्या आएगा, विदुषी। कवि नहीं आएगा, कवि के बजाय क्या आएगा, कवयित्री। महारानी लक्ष्मीबाई वीर है तो वीर नहीं है, क्या है, वीरांगना। ऐसे किसी और महिला का नाम देकर आप कहें वो साधु है, साधु नहीं, फिर क्या होगा, साध्वी। एक
और याद रख लो एक बार, विधवा अगर बात करें तो विधवा होता है स्त्रीलिंग रूप, और विदुर क्या हो जाता है पुल्लिंग, जिसकी पत्नी का देहावसान हो गया वो विदुर, और जिनके पति का देहावसान हो गया वो क्या कहलाती है विधवा। तो हो सकता है वो किसी पुरुष का नाम देख करके वहाँ लिख दे आगे विधवा, या किसी महिला के नाम के आगे क्या लिख दे विदुर। तो वहाँ ध्यान रखना है महिला के साथ किसका प्रयोग होगा विधवा का, और पुरुष के साथ किस शब्द का प्रयोग होगा विदुर का। तो ये सारे लिंग से संबंधी किस में आ जाएंगे आपके अशुद्धि में, किस तरह लिंग में कवि के बजाय क्या लगाओगे कवियत्री, वीर के बजाय क्या लगाओगे वीरांगना, विद्वान के बजाय विदुषी। जैसे गीता महान है तो गीता महान नहीं, क्या करना है महती। पुरुष के लिए महान, स्त्रीलिंग के लिए किसका प्रयोग होगा महती। तो उदाहरण तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है, आपको याद ये रखना है पुल्लिंग रूप कौन सा है इनका और स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। हो गया इसमें। ऐसे ही कहते हैं बेटी पराए घर का धन होता है, तो होता है कि बजाय ये तो आप सब कर देते हो, होती है। बाकी लिंग संबंधी अशुद्धियों में गलती लगभग नहीं होती है, बस गड़बड़ यहीं से होगी। स्त्री के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आएगा और पुरुष के लिए कौन सा, तो मैंने यहीं लिख दिया है कि अगर पुरुष है तो कवि लिखना और स्त्री है तो क्या लिखोगे वाक्य में कवियत्री। रचयिता उभयलिंगी है, पुरुष और स्त्री दोनों के साथ यूज में प्रयोग में किया जाता है। आगे देखिए, कारक संबंधी अशुद्धि महत्वपूर्ण है, रूप तो इनका कहाँ महत्वपूर्ण है। आप दैनिक जीवन में क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं मैं छत के ऊपर हूँ, सामान अलमारी के ऊपर रख दे, पुस्तक मेज के ऊपर रख दे, ये सारे वाक्य व्याकरणिक रूप से क्या हैं गलत। यहाँ रूप क्या आना चाहिए, यहाँ ऊपर के बजाय आना पर चाहिए। फिर समस्या ये है कि हर जगह ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की जगह पर ही आएगा, यूँ तो बहुत जगह ऊपर का भी यूज होता है। फिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर का प्रयोग और कहाँ ऊपर का क्या किया जाएगा प्रयोग। तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ दो वस्तुएँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं या उनमें स्पर्श होता है, टच होता है, वहाँ तो प्रयोग किया जाता है पर का। लेकिन जहाँ दो वस्तुओं के मध्य गैप है, स्थान है, वहाँ प्रयोग किसका किया जाता है ऊपर का। अच्छा एक चीज़ और, कई स्टूडेंट्स की अंग्रेजी अच्छी होती है, हालांकि होती बहुत कम की है, पर कई वहाँ से सीधा ही यूज़ करना शुरू कर देता है। पर कैसे, यहाँ ऊपर आएगा ऑन वगैरह, क्योंकि ऐसा आता है, इसे मैंने पहले ही बोला। अंग्रेजी रूप अलग है, हिंदी रूप अलग है, दोनों की परिस्थितियाँ अलग है, तो वहाँ से आपका ये रूप यहाँ से पर क्या नहीं होगा क्लियर। तो आपको समझना यही है। तो मैंने क्या बताया, जहाँ दो वस्तुओं में स्पर्श होता है वहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है। स्पर्श के साथ साथ संबंधित भी हो सकती हैं, जुड़ी हुई भी, और जस्ट ऑपोजिट, दो वस्तुओं में स्पर्श नहीं होता वहाँ किसका यूज होगा ऊपर का। पहले मैं आपको बताऊं उदाहरण, जैसे आप बोलते हैं चिड़िया,
पेड़ में बैठी है। अशुद्ध लिखा है, आपको ध्यान रखना है। मे का प्रयोग अंदर के लिए किया जाता है। अब चिड़िया पेड़ में बैठी है, ये क्या हो चुका है? गलत। शुद्ध क्या होगा? चिड़िया पेड़ पर बैठी। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये क्या होगा इसके अंदर? शुद्ध। अच्छा, एक और चीज, अगर ऊपर का प्रयोग कर रहे होते तो आप क्या बोलते? चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, तो पर नहीं आता, तब क्या आता? ऊपर। जैसे आपकी कॉपी वगैरह होंगी, वो मेज पर हैं, संबंधित हैं, उसके स्पर्श में हैं। सामान रख रहे हो अलमारी पर रख रहे हो, हवा में नहीं झूल रहा। आप छत पर हैं, छत से स्पर्श में है, तो वहाँ यूज किसका होगा? पर का। पर चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, यानी वो उसके टच में नहीं है, स्पर्श में नहीं है, तो वहाँ पेड़ पर नहीं आएगा। क्या आएगा? पेड़ के ऊपर। ठीक है, आगे की बात सुनो आप ध्यान से। जैसे पंखा है, पंखा आपके सिर के ऊपर है, पंखा सिर पर नहीं है आपके, कहाँ है वो? सिर के ऊपर। तो जहाँ दो वस्तुओं में स्पर्श नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा, वहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? ऊपर का। और जहाँ स्पर्श है, संबंधित है, वहाँ किसका प्रयोग होगा? पर का। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर और लिखती हूँ जो खूब आ चुका है आज, बजट पर। बहस होगी, ये तो मैंने लिखा है शुद्ध, ये शुद्ध है। आपको मिलता क्या है अशुद्ध? आज बजट के ऊपर बहस होगी, आपको मिलता है ये, जो गलत। के ऊपर की बजाय क्या आएगा? पर। क्योंकि बहस किससे संबंधित है? बजट से, तो वहां ऊपर नहीं आएगा, क्या आएगा? पर। आगे की बात करते हैं, अगला देखिए आप वाक्य, तीसरा सेंटेंस इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, खूब आ जाता है। पिताजी घर पर हैं। अगर मैं कहूँ, आदत ही है हमें पिताजी घर पर हैं, कोई आपसे पूछता है तू कहाँ है? मैं तो घर पर हूँ। अरे घर पर थोड़ी हो, घर में हो, अंदर हैं आप घर के, तो पर का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा यहाँ पे? पर के स्थान पर मे का। शुद्ध क्या होगा? पिताजी घर में हैं, मैं घर में हूँ, पर हमें आदत पड़ी हुई है। और जब आता तो आपको ये लगेगा चार में, सही तो है पिताजी घर पर है, तो घर पर नहीं, किस में है? घर में है। ठीक है, आगे देखिए आप इसमें, पिछले टाइम से ही अशुद्धि आ रही है। मैं इसे जब पूछती हूँ बताओ इसे शुद्ध करो, तो कई कहते हैं मैम यहाँ जाएगा बाल को, यहाँ पर आओ। कई कहते हैं मैडम कोमा की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। कई कहते हैं मैडम बालको नहीं आएगा, बालक आएगा या बालक गण आएगा। जी, यहाँ एक अशुद्धि है, यहाँ ये जो बिंदु है
बिंदु नहीं आएगी। संबोधन के बाद कोमा लग सकता है, वैसे वैसे कोमा नहीं होता और फिर कोई चिन्ह लगाना होता तो सबसे पहले आप क्या लगाते? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते। तो ये शुद्ध कुछ ये होता है, ये तो है अशुद्ध, कट लगा दिया है। बालको यहाँ आओ। अब हमारे विद्यार्थियों को ये नहीं पता कहाँ ऊपर बिंदु लग जाती है और कहाँ हट जाती है, गड़बड़ होती है यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी आखिर बिंदु का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, कहाँ रूप नहीं। पहले तो मैं इसकी बता दूँ कि यहाँ पर ऊपर बिंदु क्यों नहीं आई। एक कारक होता है संबोधन कारक, और मैं बात करूँ संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, ये चिन्ह विस्मयादि बोधक, ओ अरे, यह ये देखो जरा ओ, क्या आपको कई बिंदु नजर आ रही है? दूसरी बात, आप सबको पता है बालको यहाँ, यहाँ बालको संबोधन है, बात ध्यान नहीं जाता यहाँ पर। तीसरी बात, हे और अरे स्वर रूप में नहीं है, पर आपको दिख रहा है ओ तो स्वर है, तो व्यंजन के साथ ये तो एज इट क्या हो जाएगा, जुड़ ही जाएगा। तो जैसे ही बालक के साथ ओ कारक विभक्ति जुड़ी संबोधन के, शब्द क्या हो गया? बालको यहाँ आओ। कोमा नहीं होता तो कन्फर्म कौन सा ही चिन्ह लगाते हैं आप? विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब एक समस्या आएगी, बिंदु कहाँ आएगा? बिना बिंदु रूप तो ठीक है, तो अभी आपको अगले ही टॉपिक में उसकी अशुद्धि का क्या मिल जाएगा? आधार कि कहाँ बालकों पर ऊपर बिंदु आएगा और कहाँ नहीं आएगा। मैंने ये वाली जो बात लिखी है बहुत कम विद्यार्थियों को पता है, आगे वाली तो फिर भी शायद क्लियर हो, तो हम आगे वाली पर बढ़ जाते हैं। तो रूप हमारा आएगा सातवा, किससे संबंधी अशुद्धि आएगी? वचन से संबंधी अशुद्धि पर हमें क्या करनी है बात? ये देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट है पता नहीं रहता, पहले मैं कुछ वाक्य लिख देती हूँ फिर हम उसके नियमों को नीचे लिखेंगे। पहला वाक्य, मोहन ने अनेकों कमीजें खरीदी। दूसरा वाक्य, उसकी आँख से आंसू बह रहा था। यहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ है,
मैंने हस्ताक्षर कर दिया। पहले इतने पर ही बात करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये पहला जो सेंटेंस है, मोहन ने अनेकों कमीजें खरीदी। आप में से लगभग बच्चे जानते हैं कि अनेकों नहीं होता शब्द, क्या होता है? अनेक। अच्छा, वैसे अनेकों शब्द शब्द शुद्धि में भी आ चुका है, ऐसे ही लिखा था। कई बच्चे कहते हैं अनेकों ऐसे ही तो लिखते हैं। अरे लिख तो आप लोगे, लेकिन जब ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, लिखोगे कहाँ से? वो तो अपने आप ही क्या हो गया है, गलत हो चुका है। तो अनेकों के बजाय क्या आता है? अनेक। अब ये तो आप रट लेते हो, से कई कहते हैं अनेक आ गया, लेकिन अनेक के भी तो दो ऑप्शन मिलेंगे। एक, मोहन ने अनेक कमीज खरीदी। एक, मोहन ने अनेक कमीजें खरीदी। फिर वहां गड़बड़ी होगी, अनेक तो ठीक है, पर कमीज करूं या कमीजें? एक रूप में क्या आएगा? कमीज। क्या नहीं आएगा? कमीजें। तो ये हो गया है अशुद्ध। इनमें बात करें तो अनेकों की बजाय क्या लगेगा? अनेक, और कमीजे की बजाय कमीज, तो शुद्ध होगा मोहन ने अनेक कमीज खरीदी। दूसरा, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। बच्चा इसे जैसे ही देखता है एक ही चीज कहता है, क्या? बह रहे थे। अरे बह रहे थे तो समझ में आ गया, पर एक आंख से थोड़ी ना बह रहे थे, दोनों से ही बह रहे थे। अब तो पीछे पीछे का सही करके चल देते हो। तो आंख की बजाय तो क्या आ जाएगा? आंखों। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो रहा था की बजाय रहे थे, और आंख की बजाय क्या हो जाएगा? आंखों। तब ये क्या होगा? शुद्ध। यहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। तो कई बच्चे करते हैं, हाँ सबके बजाय सभी आ जाएगा जी। सब और सभी में तो एक ही अंतर है, सब में ही निपात जुड़ता है, तो शब्द क्या बन जाता है? सभी। पहली बात, ये शुद्ध है। श्रेणी एक नहीं होगी, श्रेणी एक से ज्यादा होगी, तो यहां सब श्रेणियों के। यहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। ये बहुवचन में जैसे ही यो लगाओगे बनाने के लिए, अंतिम बड़ी मात्रा यो लगते के साथ क्या हो जाएगी? छोटी। से पक्षी है ये बड़ा, पक्षियों इकी मात्रा छोटी, लड़कियों इकी मात्रा छोटी। तो यहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, ये क्या होगा इसमें? शुद्ध। आगे देखो, बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ है। मैं विद्यार्थियों से बहुत पूछती हूँ, बताओ इसको शुद्ध करके बताओ। तो कई कहते हैं, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। कई कहते हैं, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए हैं। कई कहते हैं, नहीं बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए। कई कहते हैं, बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए हैं। एक है लगातार, एक है नहीं। सबसे बड़ी बात, बहुत तो मात्रा है, दिन गिने जाते हैं, काउंटिंग, या तो अनेक हो या कई हो। तो यहाँ बहुत नहीं आएगा, तो बहुत की बजाय कई कर सकते हो, करने को अनेक भी। शुद्ध होगा फिर कई दिनों, दिन भी नहीं आएगा। क्या आएगा? दिनों से। आपका की बजाय आएगा आपके, दर्शन नहीं हुए, हुआ की बजाय हुए हैं। तो ये हुआ आपके बहुत दिन। ये सब चीजें क्या हो चुके हैं? गलत। अच्छा, अब यहाँ कईयों के दिमाग में एक प्रश्न हो रहा था, क्या
यहाँ तो अनेकों के साथ कमीज लिखवाई, यहाँ भी तो बहुत है, फिर दिनों क्यों लिखा, फिर दिन क्यों नहीं आया? इसका जवाब अभी आपको मिलेगा कुछ समय बाद। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो कर दिया नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ये रूप क्या होगा इसमें? शुद्ध। समझ में आ गई बात आपको? तो ये रूप यहाँ तक आए। अब इसमें कुछ नियम समझने हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। कौन सा मैं आपको लिख रही हूँ क्योंकि इनके बहुत आते हैं। होता कुछ का हमेशा एक वचन में भी, पर आप तो बहुवचन वाले ध्यान रखो, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन से शब्द? आंसू, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के बाद आएगा प्राण। आप बोलते हो प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए, कभी भी नहीं होगा निकल गया। इसके अलावा आंसू के बाद, अच्छा आंसू हस्ताक्षर प्राण, अनेक, अनेकों नहीं होता, बता चुके हूँ। शब्द क्या ही आएगा? अनेक। बाल, सिर वाले बाल हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। जैसे मेरे बाल उड़ गए, अगर मैं कहूँ बाल कटवा लिए, बाल सुलझा लिए, सीधा बाल का प्रयोग हमेशा ही किस में किया जाता है? बहुवचन के अंदर। एक शब्द इम्पोर्टेंट में पांच में ये भी है, दर्शन। जैसे हम बोलते हैं आपका दर्शन, तो आपका दर्शन नहीं, आपके दर्शन करके। तो या जैसे भगवान के दर्शन हो गए, हो गया नहीं, तो दर्शन का प्रयोग भी हमेशा किस में किया जाएगा? बहुवचन में। तो ये शब्द जहाँ होंगे उस सदैव किस में प्रयोग होगा वाक्य बहुवचन के अंदर। अगली बात सुनो, तो पहला नियम हुआ। दूसरी बात, कहाँ ऊपर बिंदु आएगी कहाँ नहीं, वो बात बतानी है, वो समझो। इकारांत नहीं है, उ है ये। देखिए अकारांत, आकारांत, उकारांत जितने शब्द होते हैं उनका जब बहुवचन बनाया जाता है तो प्रयोग होता है ओ का, ऊपर बिंदु नजर आ चुकी होगी। और इकारांत का जब बहुवचन बनाया जाता है तो प्रयोग होता है यो का। तो कईयों को ये नहीं पता अकारांत, इकारांत, उकारांत हैं क्या। पहले तो यही बात कर लेते हैं। कोई भी शब्द हो, कारांत का अर्थ होता है अंत में उसका रूप। जिस भी शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर होता है वो उसी का ही कारांत, यानी अंत में उसी का ही क्या होगा? रूप। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये शब्द देखो, शब्द है राज। राज में जय में कौन सा स्वर आया? ए। इसका मतलब ये उदाहरण कौन से का हो गया है? अकारांत का। अब मैंने राज की बजाय क्या लिख दिया? राजा। जय में क्या आ गया? आ। शब्द क्या बन गया? आकारांत। राजी, जय में क्या लगा दिया? ई। बड़ा है तो बड़ा इकारांत, छोटा है तो छोटा इकारांत। ई को हटाकर अगर ऊ लगाऊंगी तो बनेगा राजू, जय में क्या आएगा? ऊ। शब्द क्या बन जाएगा? उकारांत। तो
जिनके अंत में ए होगा, आ होगा, उ होगा, उन शब्दों के बहुवचन होते हैं ओ से, और जिनके अंत में ई का प्रयोग होता है उनका प्रयोग बहुवचन का प्रयोग होता है यो से। जैसे मैं आपको उदाहरण के अंतर्गत बात करूं तो वो सुन लो आप। जैसे मैं कहती हूँ बालक, अभी आया भी था, तो बालक का बहुवचन क्या हुआ? बालकों। ऐसे ही जैसे मैं कहती हूँ रात, रात से हो गया रातों, दीवार से दीवारों, अकारांत वाले, माला से मालाओं, कथा से कथाओं, शाला से शालाओं, परीक्षा से परीक्षाओं। और की बात करूँ मैं आपको, जैसे उकारांत के अंतर्गत गुरु से गुरुओं, भालू से भालुओं, वस्तु से वस्तुओं, ऋतु से ऋतुओं, सब में क्या लग रहा है? ओ। इकारांत के साथ ही ओ, कवि से कवियों, लड़की से लड़कियों, पक्षी से पक्षियों। लेकिन ये वचन तभी बदले जाएंगे, यहाँ लिख देती हूँ, इनके वचन में परिवर्तन, कारक विभक्ति युक्त, कारक विभक्ति युक्त शब्दों, यहाँ पर ये और लिखना है मुझे, इनके वचन में ये परिवर्तन, ये वाला मतलब जो मैंने बॉक्स में लिखा है, ये परिवर्तन केवल कारक विभक्ति युक्त शब्दों में ही होता है। यानी आप जो और यो लगाओगे, ये बहुवचन तभी होगा जब आगे क्या मिलेगा? कारक विभक्ति चिन्ह। उस समय ही हमें इस पर क्या करनी है बात, जैसे बालकों ने खाना खाया। अब देखो बालकों के आगे क्या आ गया है? ने। कवियों से कहना, कवियों के आगे क्या आ गया है? से, इकारांत वाला आ गया। वस्तुओं को साफ कर दो, वस्तुओं को, ओ के आगे क्या आया है? को। तो जब इन शब्दों और यो वाले शब्द होंगे, इनके आगे क्या आएगा? कारक विभक्ति चिन्ह, तो ही है ये बहुवचन। अगर कारक विभक्ति चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, कई बार मैंने देखा है न्यूज़पेपर में कि नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा कि भाइयों और बहनों आपको जानकर खुशी होगी, या ना भाइयों पर बिंदु होना चाहिए ना बहनों पर, ये संबोधन है। क्योंकि भाइयों और बहनों या बीच में कहीं पर भी कारक विभक्ति चिन्ह नहीं है, और कारक विभक्ति चिन्ह नहीं है इसका मतलब ये ओ यो नहीं आएगा, फिर वो संबोधन वाला ओ है वो आएगा। कई बार आप मैगजीन्स में पढ़ते हैं प्रिय पाठकों, और आप देखना उसके बाद कोमा, पाठकों के ऊपर देखना कभी बिंदु नहीं मिलेगा आपको लगा हुआ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पाठकों वहाँ पर संबोधन है, प्रिय पाठकों आपको जानकर खुशी होगी, ये नीचे मिलेगा पर ऊपर बिंदु नहीं आएगा। हाँ अगर मैं कहती पाठकों से कह दो, पाठकों से ऊपर क्या आएगा? बिंदु। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ कारक विभक्ति चिन्ह होगा वहाँ बहुवचन रूप होगा और तब ऊपर क्या लगेगा? बिंदु। और जहाँ आगे कारक विभक्ति चिन्ह नहीं है यानी बहुवचन रूप नहीं है, फिर वो संबोधन रूप है और संबोधन वाले ऊपर क्या नहीं लगेगा? बिंदु, अनुनासिक वाला रूप नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्लियर तभी होगा। तो यहाँ देखो बालकों यहाँ हो, यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं था आगे से, वो नहीं होता। यहाँ देखो बहुत दिन से, आप कहते दिनों क्यों किया? क्योंकि आगे क्या था? से था, इसलिए मुझे कन्फर्म दिन की बजाय क्या करना पड़ा? दिनों, क्योंकि उसके वचन में क्या हो चुका है? परिवर्तन। तो ऐसे नहीं होता है, ये सारी चीज़ें नियम से हैं, वो चीज़ यहाँ पर है।
नियम नंबर तीन, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं है का प्रयोग क्या कहाँ करें, है का प्रयोग कहाँ करें, तो है का प्रयोग होता है बहुवचन में। और इस है का प्रयोग किस में होता है, एक वचन में। है एक वचन में, हैं बहुवचन में। उदाहरण की बात सुनो, माताजी भोजन पका रही हैं, ये आएगा। कई कहते हैं खाना तो खाना बनेगा, भोजन क्या करेगा, पकाया जाएगा, डिपेंड है उसने दिया क्या है। पर मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये, स्त्रीलिंग का बहुवचन हैं से ही बदलता है, क्योंकि पुल्लिंग में तो रा से रहे हो जाता है, हैं में वहाँ भी क्या आएगा बहुवचन, पर स्त्रीलिंग में सदैव रहे कभी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा रही। एक वचन में भी रही, बहुवचन में भी रही, जो वचन स्त्रीलिंग में बदलता है वो हैं के साथ ही बदलता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण की बात करूँ, सीता बाजार जा रही है, वो है एक वचन वाला। सीता, गीता, राधा और नीता बाजार जा रही हैं, तो रही तक तो झोंका त्यों है, बस आगे हैं पर क्या लग जाना है, वहाँ पर बिंदु। क्लियर हुआ? तो स्त्रीलिंग के वचन में परिवर्तन लास्ट से ही होता है। तो कहाँ है होता और कहाँ है मैं बता चुकी हूँ। है का प्रयोग एक वचन में, है का प्रयोग किस में होगा बहु वचन में। ये आपको तीसरी बात क्या रखनी है इसमें याद। इसके साथ वचन से जुड़ी भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो चुकी है आपकी, कंप्लीट। अब हम आगे की बात करते हैं, आठवें नंबर पर। देखिए, हमने अब तक पदक्रम वाली पढ़ ली है, हमने सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, इनसे जुड़ी अशुद्धियों पर क्या किया है बात। अब हम एक तो संज्ञा वाली भी बात बच रही है, एक अव्यय वाली भी क्या बच रही है बात, उन पर हमें बात करनी है। उदाहरण में देखो, उदाहरण क्या, पहले हेडिंग लिख देती हूँ। संज्ञा संबंधी अशुद्धि दो प्रकार की होती है, ये भी। पहली, अनावश्यक संज्ञा पद संबंधी। उदाहरण में इसकी बात करूं, पहला उदाहरण इसका, वह रोज पौधों को पानी से सींचता है। ये तो आया पहला, वह रोज पौधों को पानी से सींचता है। दूसरा, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। एक होती है इसमें अशुद्धि, इसको मैं कह कह लिख देती हूँ, अनुपयुक्त संज्ञा से संबंधित। इसका पहला उदाहरण,
ये शुद्ध है रेडियो, अब में से यो कर देते हैं जो गलत हो जाता है। रेडियो की उत्पत्ति, किसने की? एक तो ये, दूसरा अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड में हम लिख सकते हैं मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा। चलिए बात करें अनावश्यक, अनधन आवश्यक, अनुपयुक्त अनधन उपयुक्त उपसर्ग है। अनावश्यक से तात्पर्य क्या हुई कि जिसकी आपको क्या नहीं है आवश्यकता, वो तो क्या हो गया अनावश्यक। अनुपयुक्त, जो शब्द वहाँ क्या नहीं है उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, वो होगी अनुपयुक्त संज्ञा। जैसे पहले वाला उदाहरण काफ़ी बार आ चुका है, वह रोज़ पौधों को पानी से सींचता है। अगर हम लोग बात करें सिंचाई किससे ही होगी, पानी से ही तो होगी, तो इसका मतलब पानी शब्द यहाँ आपके लिए क्या नहीं है ज़रूरी, क्योंकि सिंचाई ऑलरेडी किससे की जा रही है पानी से, तो सिंचाई जब आ चुका तो पानी की आवश्यकता नहीं। आपको पता कैसे चल रहा है ये संज्ञा से जुड़ी हुई है, तो पानी शब्द व्याकरण के दृष्टि से क्या है संज्ञा, तो अशुद्धि कौन से संबंधित हो गई, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। तो जब आप शुद्ध करोगे तो यहाँ से क्या हटेगा, पानी से, ये पानी से चीज हट जाएगी, और शुद्ध जब होगा तो क्या होगा, वह रोज पौधों को सींचता है। दूसरी बात, अभी आपने देखो जस्ट पहले वचन संबंधी पढ़ा था, ये देखो को, तो यहाँ पे पौधे में क्या लगा हुआ है अनुनासिक, यानी आपको पता चल गया ये रूप किस वाला आ चुका है, बहुवचन वाला। अगर यहाँ बिंदु नहीं होता तो रूप क्या हो जाता, गलत। अगला देखो, प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए, ये देखो काल समय। मैंने शुरू में भी बताया था यदि एक जैसा अर्थ देने वाले कितने शब्द होंगे, दो, एक हटेगा एक रहेगा, पहले वाला लगभग रहता है, बाद वाला हट जाता है, बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है वाक्य पर। तो यहाँ देखिए प्रातः के साथ काल तो रहेगा, तो प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, तो यहाँ से के समय हट जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, प्रातः काल घूमना चाहिए, ये इसमें आएगा। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें अनुपयुक्त, अनुपयुक्त यानी वो शब्द वहाँ पर उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है, तो वो किससे जुड़ा हो गया अनुपयुक्त। ये देखो रेडियो की उत्पत्ति किसने की, ये चार रूपों में मिलता है। मैंने पहले आपसे कहा था एक ही वाक्य के कितने रूप मिल सकते हैं, चार। वो वहाँ देगा रेडियो की उत्पत्ति किसने की, रेडियो का आविष्कार किसने किया, रेडियो को जन्म किसने दिया, या रेडियो की खोज किसने की, ऐसे चार देगा। फिर पूछेगा शुद्ध बताओ, आपके नज़र में गड़बड़ होगा, गड़बड़ यहाँ से फिर भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो का क्या किया गया है आविष्कार, तुरंत कर देंगे। इसमें भी कुछ बच्चे आविष्कार की बजाय खोज करके आएंगे। आप डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ उत्पत्ति क्यों नहीं आया, इसकी जगह और कौन सा शब्द, तो जिसका अर्थ जितना अच्छा होगा वो वहाँ ये डिसाइड कर पाएगा, निश्चित कर पाएगा कि यहाँ आखिर हम किस शब्द का क्या करेंगे प्रयोग। अगर मैं कहूँ उत्पत्ति जो स्वतः होती है, अपने आप होती है, वो क्या कहलाती है, उत्पत्ति। खेतों में खरपतवार, अब देखिए किसान जब फसल बोता है तो बीज से पहले घास वगैरह अंकुरित होती है, और टाइम निकल मतलब जैसे मिलता है उसे निकाल भी देता है, लेकिन अगली फसल जैसे ही बोएगा वापस से उसे सबसे पहले वही नज़र आएगा। अच्छा, अगर वो उसे नहीं हटाए
तो और भी यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, वो क्या गड़बड़ हो जाएगी इसके अंदर कि आपको समझ में फिर वो चीज़ नहीं आएगी और वहाँ गड़बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, उत्पत्ति तो जो स्वतः होती है, अमर बेल देखा है आपने, अपने आप जन्म लेती है। कहते इतना भी टुकड़ा अगर पेड़ पर डाल दो तो तुरंत अपने आप पूरे पेड़ पर फैल जाती है, और फिर भी नहीं तो बरसात के दिनों में आपने देखा होगा बोरी वगैरह के अंदर एक उगाता है जिसे आप सांप की छतरी कुकु मुत्ता बोल देते हैं। अपने आप जो जन्म ले रहा है वो क्या है? उत्पत्ति। खोज क्या है? कोई चीज़ पहले कहीं थी और आपने जाके उसे ढूंढ लिया, वो क्या कहलाती है? खोज। जैसे भारत की खोज, अमेरिका की खोज, आप ऐसे पढ़ते हो। तो ऐसा थोड़ी था कि रेडियो कहीं रखा था, मार्कोनी ने जाके ढूंढ लाया, हड़प्पा सभ्यता की खोज वगैरह आप बात करते हैं। ऐसे ही जन लगभग गर्भ से जिसका होता है, वो जन्म हमारा आपका जन्म हुआ है तो गर्भ से भी नहीं हुआ है ये तो। फिर एक ही चीज़ बचती है, आविष्कार। तो उत्पत्ति की जगह क्या आएगा यहाँ? आविष्कार। संधि में मैंने बात की थी आपकी, आविधानकार। आवि चारों ओर सोचकर जो कार्य किया गया, तो उत्पत्ति की जगह तो क्या आ जाएगा? आविष्कार। अब आविष्कार पुल्लिंग है, उत्पत्ति स्त्रीलिंग था तो की था, अब ये की नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? किया। रेडियो का आविष्कार की बजाय का, रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये रूप क्या आएगा? शुद्ध। आगे देखो, मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा। तारतम्य का अर्थ होता है एक का दूसरे में सामंजस्य, आप जिसे कहते हैं वो। कई कहते हैं तारतम्य मतलब आवागमन, नहीं, तारतम्य से यहाँ सीधा आएगा ताता, और ताता बनता नहीं है। ताता का अर्थ होता है एक आ रहा है और एक जा रहा है। तो मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, ये रूप क्या हो जाएगा? शुद्ध। और तारतम्य बना रहा, ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध। तो संज्ञा से जुड़ी हुई क्या हो चुकी है बात? तो हो सकता है कोई शब्द आपको उचित ना मिले तो वहां पर ये चीज आ जाएगी। अव्यय के अंतर्गत बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से अव्यय में, अभी कुछ समय पहले मैंने बात की थी मुझे केवल मात्र, केवल और मात्र, इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है आपको, ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग एक है। या तो केवल ही लगाओगे या क्या ही लगाओगे, मात्र। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे केवल मात्र 100 रुपए चाहिए, तो केवल हटा दो, शुद्ध बचेगा, मुझे मात्र 100 रुपए चाहिए, यानी दोनों में से कोई एक। इसके साथ ही ये तो पहला पॉइंट है। अभी, तभी, जब ही, ये सब अव्यय होते हैं, कभी, इनके साथ, अगर आपने भी लगा दिया तो भी वाक्य व्याकरणिक रूप से क्या हो जाएगा? गलत। जैसे मैंने कहा तुम अभी भी यहीं हो, गलत। सिर्फ क्या होना चाहिए? तुम अभी यहीं हो, उसके आगे भी नहीं लगाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी, तभी, जब भी, कभी में भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? देखो, वैसे नहीं जुड़ा हुआ है। कब होता है अव्यय? और कब में जब ही निपात जुड़ता है तो ये ही बल देता है इस वह पर, और उच्चारण वह जैसा सुनाई देता है, तो कभी अपने आप हो जाता है। तो अब धन ही अभी, तब धन ही तभी, ऐसे ये रूप बनेगा।
समझ में आया आपको? तो अभी, तभी, जभी, कभी, इनके साथ किसका प्रयोग नहीं करना है? ही का। ये दोनों अव्यय से संबंधित। अंतिम बात, पद क्रम में मैंने शुरू में बात की थी आपसे, वहाँ आप एक बात और ध्यान रख लेना। कई बार वहाँ वाक्य आ जाता है, जैसे मैं एक बार पद क्रम वाले का ही एक सेंटेंस यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ ताजा गायिका दूध मिलता है, ऐसे आ जाता है। वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध। हम बात करें क्यों? क्योंकि यहाँ जो ताजा गाय, गाय ताजा नहीं है, क्या हो सकता है? दूध। तो यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, ऐसा आप वहाँ लिख सकते हैं। ये भी किससे संबंधित ही होती है? पद क्रम। कोई भी उपयुक्त नहीं है तो वो चीज। एक होता है अन्वय, लास्ट। अन्वय का अर्थ होता है मेल, कर्ता का क्रिया से मेल होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, गीता बाजार जाता है। अब देखो, पदक्रम तो है, क्रिया क्रिया की जगह कर्ता, कर्ता की जगह, फिर भी सेंटेंस क्या हो गया है? गलत। क्यों? अन्वय का अर्थ है मेल, कर्ता का क्रिया से क्या होना चाहिए? मेल। कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया भी क्या होना चाहिए? पुल्लिंग। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग। तो गीता स्त्रीलिंग है तो जाता की बजाय क्या होना चाहिए? जाति। तो गीता बाजार जाती है, ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो आपको क्रिया रूप में भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें, अपना वाक्य शुद्धि टॉपिक कंप्लीट। अब ब्रेक के बाद 1:30 बजे हम पुनः मिले। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.